हेलो एवरीवन यू आर वेलकम टू बेस्ट नोट्स टूटोरियल माई निमिज कौशिक एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट राजा राव राजा राव वाज एन इंडियन राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज़ हुज वर्क्स आर डीपली रूटेड इन मेटाफिजिक्स अगर हम राजा राव की बात करें तो ये पहली जो इनकी आइडेंटिटी है वो है इंडियन राइटिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नॉवल्स तो क्योंकि ये आपकी यू सिलेबस में जो उनकी नॉवेल्स आपके पास में है शॉर्ट स्टोरीज पे हम बात कर सकते हैं बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स सो ही रोट शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स सो फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट हिज वर्क इट इज डीपली रूटेड इन मेटाफिजिक्स मेटाफिजिक्स अगर हम वर्ड को लेकर चलें तो मेटा मीन्स होता है आपका बियॉन्ड ओके बियॉन्ड और बियॉन्ड का अगर हम मीनिंग देखें हिंदी में तो बियॉन्ड मीन्स होता है दूसरी तरफ अब ये हम बात कर रहे हैं किस दूसरी तरफ की कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वर्ल्ड है आपका राइट सो so, फिजिकल जो हमारा हम बोलते हैं कि जहाँ हम जी रहे हैं उसके जो दूसरी तरफ है वो क्या है आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल हम उसे बोल सकते हैं तो इसलिए मेटाफिजिकल का मतलब रिलेटेड टू हम कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी जो स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेटेड हैं जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते भौतिक चीज़ों के अगर हम एग्जैक्ट वर्ड यूज करें फिजिकल वर्ल्ड के लिए तो हम वर्ड यूज करेंगे भौतिक संसार और राइट right? तो उसके जो फिजिक्स मीन्स बियॉन्ड फिजिकल उसे हम मैटाफिज़िक्स कहेंगे तो यहाँ से वो शुरू उनका जो राइटिंग है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है दिस एंड एंड रोप जो पब्लिश हुई है आपकी 1960 में सेमी ऑटोबायोग्रेफिकल जो ये वर्क है उनका सर्प एंड द रोप 1960 में पब्लिश हुआ ये आपका सेमी ऑटोबायोग्रेफिकल है मतलब इसमें जो उनका उनकी लाइफ से रिलेटेड हैं कुछ चीजें वो भी हैं रिकाउंटिंग अ सर्च फॉर स्पिरिचुअल ट्रूथ इन यूरोप एंड इंडिया established हिम एज वन ऑफ़ द फाइनेस्ट इंडियन प्रोज स्टाइलिस्ट एंड वन हिम साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1964 ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे ज़रूर आप नोट कीजिए क्योंकि जितनी जैसे अभी एक वीडियो और आने वाली है जिसमें मैं आप लोगों को साहित्य अकादमी अवार्ड जितने हैं उनको शॉर्टकट कट तरीके से कैसे याद करना है वो मैं बनाऊँगा लेकिन साथ ही साथ जब इंसान अपने सा अपने हाथ से कोई चीज़ें लिखता है तो उसे ज़्यादा दिनों तक वो चीज़ें याद रहती हैं तो आप नोट्स अगर ले भी चुके हैं मुझसे तो आप लोगों को क्या करना है कि कुछ चीज़ें आप नोट डाउन ज़रूर कीजिए अपने तरीके से उनको याद करने की कोशिश कीजिए जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो कलेक्शन मैंने आप लोगों के लिए किया है अब आपने मुझसे नोट्स ले लिए इसके इसकी गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप नोट्स को पूरी तरीके से आप उन्हें याद कर पाएंगे और याद करने का सीक्रेट क्या है कि आप उन्हें बार बार पढ़िए उन्हें बार बार रिपीट कीजिए और बार बार उनको लिख कर याद करने की कोशिश करेंगे तो बेटर है कार्ड्स बनाइए अपने लिए ओकि अगर आपको नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब आप लोगों ने कर ही लिया होगा अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो देखने के बाद तो लाइक कीजिएगा और अगर कोर्स के बारे में आप लोगों को डिटेल चाहिए तो आप वीडियो देख सकते हैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूं कि जो कोर्स है वो आपके थ्री स्टेप पे है फर्स्ट जो है उसमें आपको डिटेल नोट्स मिलते हैं सेकेंड आपको एक शॉर्ट नोट फाइल मिलेगी और जो थर्ड है वो आपको एम सी क्यू जो आपके कंप्लीट राइटर्स हैं उनके आपको एम सी क्यूज आपको अलग अलग राइटर्स की फाइल्स में मिल जाएंगे और साथ ही साथ अगर आप ग्रामर लेना चाहते हैं तो जो चौथा पार्ट है वो आपका ग्रामर का है तो चलिए आगे चलते हैं फॉर द एंटायर बॉडी ऑफ हिज वर्क यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा एक वर्ड आया है स्पिरिचुअल uh, ट्रूथ्स ठीक है तो स्पिरिचुअल ट्रूस मैंने अभी जो एक्सप्लेनेशन बताया था मेटा फिजिक्स के बारे में तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा मेटाफिजिकल पॉइंट भी आप लोगों के पास में सिलेबस में है इसलिए मैंने इसे आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है फॉर द एंटायर बॉडी ऑफ इस वर्क राव वॉज अवार्डेड न्यूथ स्टेट इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर इन नाइनटीन एटी एट आपको साहित्य अकादमी अवार्ड याद रखना है 1964 सिक्सटी फोर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है राउज़ वाइड रेंजिंग बॉडी ऑफ वर्क स्पेनिंग नंबर ऑफ जेनराज हि सीन अ वेरीड एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एज वेल एज वर्ल्ड लिटरेचर एज व जो हमारे राजा राव हैं इन्होंने बहुत हर जेनरा में लिखने की कोशिश की है तो क्योंकि ये नॉवल सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने जो समरीज ली हैं वो ली है आपकी कांथापुरा की द सर्पेंट एंड रोप की देखेंगे द दे कैट एंड शेक्सपियर टेल ऑफ इंडिया 1965 सिक्सटी फाइव कॉमरेड क्रिमलोव इन नाइनटीन एंड द चेस मास्टर एंड हिज मूवस इन नाइनटीन 1988. 1988 आप ध्यान रख सकते हैं कि मेरी डे डेट ऑफ बर्थ है इसलिए आप क्योंकि मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो नाइनटीन एक फैक्ट याद रख लीजिए क्योंकि आपको जितना ज़्यादा आप फैक्ट याद रख लेंगे जितने ईयर्स से रिलेटेड आप फैक्ट याद रख सकते हैं उन्हें याद रखिए जैसे कि आपको अगर कान्थापुरा डेट याद नहीं हो रही है तो आप देख सकते हैं कि आपकी फैमिली में थर्टी एट एज जो होगी वो किसकी है जिसकी भी थर्टी एट से रिलेटेड एज होगी उसे आप कांथापुरा नाम दे दीजिए हो सकता आपका कोई कोई भी फैमिली में हो सकते हैं इस तरह से आप याद रखिए जैसे सर्पेंट एंड रोप आपके घर में अगर कोई रोप है तो उसे आप सिक्सटी मान के चलिए कि ये 60 मीटर की रोप है अपने आसपास रख दीजिए एक छोटी सी रस्सी तो आपको याद रहेगा कि जो नाइनटीन सिक्सटी है वो द सर्पेंट एंड रोप का आप एक बार करके देखिए आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा और आपको ज्यादा दिनों तक ये चीजें याद रहेंगी आपके आपके पास आसपास अगर कैट आती है तो आप उसे एक फ़नी तरीके से उसे कहिए कि ये बहुत छोटी है ये कैट लेकिन इसका जो वेट है वो सिक्सटी फाइव के जी है ओके सिक्सटी फाइव के जी की कैट जो है आपके आसपास आती है और जो आपने रोप ली है उसकी लंबाई कितनी है सिक्सटी मीटर है सिक्सटी सेंटीमीटर है जो भी है ठीक है घर में कोई थर्टी एट एज का हो सकता है उसे आप कांतापुरा नाम दे सकते हैं जिस चेस्ट मास्टर एंड हिज मूव्स नाइनटीन एटी एट इज माई डेट ऑफ बर्थ और इसके साथ ही साथ अगर आप इसे बार बार मैं आपको बता देता हूं कि माइनस अगर आप इसे हंड्रेड करेंगे क्योंकि आप बार बार विडियोज मेरी देखते हैं तो आप लोगों को याद हो जाएगा तो आपको टी एस सिलियट मिल जाएगा माइनस हंड्रेड कीजिए टी एस एलियट आप लोगों को मिल जाएगा और राइट नाइनटीन एटी एट काफी सारे लोगों की ना डेट ऑफ डी ओ भी हो सकती है ये तो आपका टी एस सिलियट का ये आप कह सकते हैं बर्थ ईयर भी है तो चलिए कांथापुरा की अब हम समरी देखते हैं कुछ और वर्क अगर शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन देख लेते हैं कावर ऑफ दी बैरिकेड्स नाइनटीन फोटी सेवन पुलिस मैन एंड द रोज सेवेंटी एट एंड ऑन दी गंगा घाट नाइनटीन एटी नाइन के बारे में देखते हैं राजा राउस फर्स्ट एंड बेस्ट नोन नावल कांतापुरा नाइनटीन थर्टी एट इज द स्टोरी ऑफ साउथ इंडियन विलेज नेम्ड कांतापुरा यहाँ पे आपको एक और तरीका मैं इसका बताता हूं अगर आप लोगों को ये याद नहीं होते तो जितनी बार आप कांथापुरा पढ़िए उतनी बार थर्टी एट पढ़िए जैसे कांतापुरा थर्टी एट थर्टी एट कांतापुरा इस तरह से आपको इसको बार बार रिपीटिशन देना है द नावल इज नैरेटेड इन द फॉर्म ऑफ द पुराण बाय ओल्ड वुमेन ऑफ द विलेज अचका अच्छा तो ये एक विलेज का नाम जो है वो अचका है देखिए आपको इसमें एक तो कैरेक्टर हर वर्क में मैं बार बार आपको कहता हूँ कि कैरेक्टर्स जो हैं वो आप बनाइए अपनी एक लिस्ट और जो स्पेशल कुछ प्लेसेस होते हैं नाम होते हैं उन्हें भी ज़रूर याद रख लीजिए तो ये स्थल पुराना से पुराण से रिलेटेड है और ये कही गई है ओल्ड वुमेन के द्वारा कहाँ पे अचका विलेज में तो विलेज का नाम क्या है वैसे कांधापुरा यहाँ पर है डोमिनंट कास्ट लाइक ब्राह्मिस आर प्रिवलिस टू गेट द बेस्ट रीजन ऑफ द विज वाई लोअर कास्ट सच एज परिया आर मार्जिनलाइज्ड तो यहाँ पर क्या है कि जो ब्राह्मिन कास्ट है यहाँ पर वो डोमिनट है वहाँ पर उस विलेज में और जो अच्छी जगह हैं गाँव की वहाँ पर वो जगह मिलती है ब्राह्मिंस को और जो लोअर कास्ट के हैं वो हैं आपके परिहाज़ और उन्हें मार्जिनलाइज रखा जाता है कि जो गांव का अगर ये आपका गांव है तो जो ये प्लेस है ये ब्राह्मण के लिए रखा गया है और जो लोअर कास्ट है वो मार्जिनलाइज्ड रहते हैं गांव के आउटर स्कर्ट में रहते हैं डिस्पाइट द क्लासिस्ट सिस्टम द विलेज रिटेन्स अ लॉन्ग चैरिश ट्रेडिशंस ऑफ फेस्टिवल्स इन विच ऑल कास्ट इंटरेक्ट विद द विलेजर्स आर यूनाइटेड चाहे यहाँ पे क्लासिस्ट सिस्टम है वहाँ पे क्लास सिस्टम है बहुत ही जो पुराना है वो सिस्टम चल रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ट्रेडिशन है वो बहुत ही अच्छा आ, अच्छे तरीके से लोग रहते हैं जो कास्ट हैं वो सभी एक दूसरे से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और जो विलेजर्स हैं वो क्या है आपके यूनाइटेड भी हैं एक साथ रहते हैं विलेज इज बिलीव्ड टू तो बी प्रोटेक्टेड बाय द लोकल डाइटी नेम्ड कैनचमा तो कैचम्मा वहाँ की जो डाइटी है उसका नाम कैं है तो आपको ये सारी चीजें अच्छा हो गया कैंचमा हो गया ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते हुए चलिए जब भी आप वीडियो वॉच करने के लिए चैनल पर वीडियो को क्लिक करना होता है आपको उससे पहले आप नोटबुक जरूर ले लीजिए क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी भी पुरानी हमने वीडियोज अभी तक बनाई है आठ नौ राइटर हम कर चुके हैं उसमें आपको बहुत सारा नॉलेज आपको मिलेगा तो आप सारी चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो आपको लगेगा कि आपने प्रॉपर एक घंटे की क्लास ली है बाकी आपके पास नोट्स हैं आप नोट्स से स्टडी करते रहिए द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवल मूर्ति अब यहाँ पे आ गया आपका जो मूर्ति है मेन कैरेक्टर है वो कौन है आपका मूर्ति तो जो मेन कैरेक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं उसको कहते हैं हम प्रोटैगनिस्ट क्योंकि इस तरह से क्या होते आ जाता है कि प्रोटैगनिस्ट वर्ड ही आपको पूछा जा सकता है ओके एक वर्ड मैंने पिछली वीडियो में बताया था अंटैगनिस्ट तो अगर आपको अंटैग्निस्ट का मीनिंग पता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए इज अ यंग ब्राह्मण जो मूर्ति है वो क्या है एक ब्राह्मीण है हु leaves फॉर the सिटी टू स्टडी वेयर ही बिकम्स familiar विद गांधी philosophy जो मूर्ति है वो चला जाता है सिटी uh, में स्टडी करने के लिए और वहां जाकर उसे गांधीयन जो है फिलासफी पढ़ने को मिलती है या वो उस चीज से इंट्रोड्यूस होता है ही बिगिनस लिविंग इन गांधीयन लाइफ स्टाइल वियरिंग होम स्पन खदर Uh, and discarded foreign clothes एंड स्पीकिंग आउट अगेंस्ट the कास्ट caste सिस्टम अब जो मूर्ति है वो गांधीन लाइफ स्टाइल में रहना शुरू हो जाता है उसने खद्दर पहनना खादी का जो कपड़े हैं उन्हें पहनना शुरू कर दिया है जो फॉरेन क्लॉथ्स है उनको उसने हटा दिया अपनी लाइफ से और वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बात करना शुरू कर देता है दिस कॉज द विलेज प्रीस टू टर्न अगेंस्ट मूर्ति एंड excommunicate him heartbroken to hear this murti's mother narsimha dies to तो narasimha sorry it is narasimha jo hai wo hai murti ki mother murti ko jo village priest hai wo excommunicate kar dete hain इससे मूर्ति की जो mother है नारासिम्हा वो बहुत दुखी हो जाती है तो आपको character आपको मैंने पहले ही कहा है note down कीजिए नारा क्या है उसकी डेथ हो जाती है वो मूर्ति की मदर है आफ्टर दिस मूर्ति स्टार्ट लिविंग विद एन एजुकेटेड तो रंगम्मा जो है उनके मूर्ति उनके साथ में रहना शुरू कर देता है और वो एक एजुकेटेड विडो है वो विधवा है हु इज एक्टिव इन इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट और जो रंगम्मा है वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी पार्ट part, पार्टिसिपेट करती थी मूर्ति इज देन इनवाइटेड बाय ब्राह्मींस क्लर्क ऑफ द स्केफिंगटन कॉफी स्टेट टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ गांधीयन टीचिंग्स अमंग दी uh, पैरिया कुलीज तो जो मूर्ति है उसको फिर uh, जो ब्राह्मिन क्लर्क है वो बुलाता है uh, किस चीज़ के लिए गांधी की जो टीचिंग्स हैं उनको पैरिया कुलिस को बताने के लिए तो पैरिया कौन थे ये लोअर कास्ट के लोग थे उन कुलिस को गांधियन जो टीचिंग्स हैं वो सिखाने के लिए बुलाया जाता है वेन मूर्ति अराइव ही इज बीटन बाई द पुलिस मैन बेट खान तो वहाँ पे एक पुलिस मैन है उसका नाम है बेड खान जब मूर्ति वहाँ जाता है गांधी टीचिंग के बारे में बात करने के लिए तो जो बेड खान है वो उसको पीटता है वो एक पुलिस मैन है बट दुलिस स्टैंड अपॉर मूर्ति एंड बीट बेड खान और जो जितने कुलिस थे वो इकट्ठा होकर बेट खान को कूट उसको पीट देते हैं एंड एक्शन फॉर विच दे आर देन थ्रोन आउट ऑफ जब ये सब होता है तो वो सभी को जो स्टेट है वहाँ के जो जहाँ पर वो काम करते हैं उस प्लेस से बाहर निकाल दिया जाता है मूर्ति कंटिन्यूज हिज फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड सोशल इनइलिटी एंड बिकम्स अ स्टाउज अलाय ऑफ गांधी मूर्ति यहाँ पर इनजस्टिस uh, और सोशल इनइलिटी के लिए काफ़ी बात करता है और वो गांधी का वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करना शुरू कर देता है ऑल दो ही इज डिप्रेस्ड ओवर द वायलेंस एट द स्टेट ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गोज ऑन अ थ्री डे फास्ट एंड इमरज मॉरली रिलेटेड अब यहाँ पर वो बहुत डिप्रेस्ड फील करता है क्योंकि जो वायलेंस है वो स्टेट में उसने देख लिया था कि जिस जब उसे बेट खान ने पीटा था और बाकी लोगों ने उसे वहाँ पर बेट खान को अटैक किया और बाद में उन्हें बाहर कर दिया गया था तो थ्री डेज का फास्ट रखता है तो यही सारे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कि जो मूर्ति है उसने कितने दिन का फास्ट रखा था ओके okay, तो ये एक टफ क्वेश्चन बन जाएगा अगर हम आ, देखें कि अगर ये एक बहुत ही माइनर एक इंफॉर्मेशन है वर्क में कि उसने कितने दिन का फास्ट रखा था तो अगर हमने पूरी समरी पढ़ी है तो हमें पता होगा कि ये थ्री डेज का है अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा आंसर करने के लिए ओके okay, तो छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है उसे भी याद करने की कोशिश कीजिए अ यूनिट ऑफ द इंडिपेंडेंस कमिटी इज़ दैन फॉर्म्ड इन कांधापुरा विद ऑफिस टू फॉलो टीचिंग्स अंडर लीडरशिप अब जो इंडिपेंडेंस कमेटी है वो सोचती है कि जो कांतापुरा विलेज है वहां पर हम एक ऑफिस बना लेते हैं और जो ऑफिस है उसमें क्या किया जाएगा गांधी की जो भी टीचिंग्स है वो मूर्ति की गाइडेंस में फॉलो की जाएगी द ब्रिटिश गवर्नमेंट अक्यूज मूर्ति ऑफ प्रोवोकिंग द टाउन पीपल टू इन्फ्लिक्ट वायलेंस एंड हिम अब यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो मूर्ति को अक्यूज़ करती है ये आप वर्ब्स भी याद रखिए साथ साथ उसको दोष देती है इस चीज़ के लिए कि उन्होंने प्रवोक किया है उकसाया है किसको टाउन पीपल को इन्फ्लिक्ट वायलेंस एंड अरेस्ट हिम उन वायलेंस और अरेस्ट को भड़काने के लिए बढ़ाने के लिए दो द कमिटी इज़ विलिंग टू तो पे हिज बेल मूर्ति रिफ्यूज मनी जो कमिटी है जो उन्होंने इंडिपेंडेंस कमेटी बनाई थी वो चाहती है कि वो बेल के लिए पैसा दे दे लेकिन मूर्ति इस बात के लिए पैसा नहीं लेता उनसे वाइल मूर्ति स्पेंड्स द नेक्स्ट थ्री मंथ्स इन प्रिजन द वुमेन कांथापुरा टेक चार्ज फॉर्मिंग अ वॉलंटियर कॉप्स अंडर रंगमा लीडरशिप अब वहां पे वो एक सॉरी uh, यहाँ पे इस वर्ड को हम कॉप्स की जगह कोर पढ़ते हैं ये वॉलेंटियर कोर कोर मीन्स होता है सेना की टुकड़ी अब इसमें अगर आप एक आप लोगों को एक वोकेबलरी भी आपको वर्ड भी याद हो जाएगा इसे पढ़ते हैं हम कॉप्स तो ध्यान रखें कि अगर सी ओ आर पी एस है तो इसे पढ़ेंगे हम कोर इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा आपका कोर और जो सी ओ आर पी एस ई अगर इसमें ऐड हो गया तो हो जाता है आपका कॉप्स तो कॉप्स मीन्स होता है डेड बॉडी याद रखिए ये क्योंकि आपके पास वोकेबलरी भी आएगी तो कुछ चीजें हम साथ साथ वोबुलरी भी करते हुए चले तो यहाँ पे कॉप्स मीन्स हो गया डेड बॉडी और कोर मीन्स होता है आपका सेना की टुकड़ी जैसे कि आप लोगों को पता होगा एनसीसी तो नेशनल कैडिट कोर तो यही कोर उसकी स्पेलिंग होती है ये रिमूव करता हूं तो ये होगी आपकी वॉलेंटियर कोर उन्होंने एक कोर uh, बनाया मीन्स कुछ जो लेडीज थी वहां की कांधापुरा की उन्होंने वुमेन ने एक कोर बनाया आ, जो किसके उसमें थी रंगम्मा तो रंगमा कौन है एक विडो है रंगमा इंस्टिल्स भर देती है ओके okay? इंस्टिल्स मीन्स भर देती है सेंस ऑफ पैट्रिट्रिजम देशभक्ति की भावना भर देती है रंगमा अमंग द वुमेन बाय टेलिंग देम स्टोरीज ऑफ नोटेबल वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री और वो उनको स्टोरीज सुनाती है कि इंडियन हिस्ट्री में जो जो वुमेन जिन्होंने फाइट की थी जैसे अगर हम उससे पहले की बात करें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी तो इन चीज़ों को सुनाकर रंगमा ने उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना भर दी थी दे फेस पुलिस ब्रूटैलिटी इंक्लूडिंग असॉल्ट रेप वेन दिलेज इज अटैक्ड एंड बर्न तो पुलिस ने उनके साथ में ब्रूटैलिटी की क्रोलिटी की एंड असल्ट किया अटैक किया एंड रेप और रेप uh, करते थे जो पुलिस वाले होते थे तो ये सारी चीज़ें उन्हें झेलनी पड़ी अपॉन मूर्तिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन ही इज ग्रीटेड बाय द लॉयल टाउन टाउन पीपल हु आर नाउ यूनाइटेड रिगार्डलेस ऑफ कास्ट और जब मूर्ति बाहर निकलता है तो उनका जो गांव में उसको बहुत अच्छे से मूर्ति को ग्रीट किया जाता है उसका वेलकम किया जाता है और सभी कास्ट के लोग उसे वेलकम करते हैं

और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट वो फाइट करता है और वापस आकर जो नेशनल इंडिपेंडेंस के मूवमेंट है उसमें वो भाग लेता है रंगम्मा उसका साथ देती है और फाइनली जो पूरा गांव है उसके साथ में हो जाता है इसके साथ ही ये स्टोरी एंड होती है तो आप लोगों ने होपफुली जो कैरेक्टर्स हैं वो आप लोगों ने कर लिए होंगे नोट तो अगला जो है वो है आपका देंट एंड द रोप तो यहां पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूं इन बिटवीन आप लोगों को अगर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जो रोप है वो कितने मीटर की है तो होपफुली आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख लिया होगा कि रोप कितने मीटर की है ओके याद आप लोगों को होगा घर में मैंने आप लोगों को कहा था पुरा? जो फर्स्ट वर्क है कांथापुरा जो कांथापुरा है वो कितने ईयर्स के हैं ओके आपके घर में कोई भी हो सकता है और जो कैट है वो कैट कितने के जी की है अब आप लोगों को ये चीजें अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको तीनो, तीनों तीनों चीजें याद हो चुकी होंगी उनके इर्स भी अपने आप याद हो गए होंगे तो आप आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख लिए होंगे चलिए अब देखते हैं द इंड एंड रोप की स्टोरी ध्यान से स्टोरी इस सुनिए इसके बाद में फिर से आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूंगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दिस इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल जो सर्फ एंड टेंट द रूप है ये भी आपकी सेमी ऑटोबायोग्राफिक सेमी मीन्स अगर आप लोगों को वैसे तो पता होगा लेकिन सेमी मीन्स सिम्पली हाफ होता है ओके इट डिस्क्राइब्स रामास्वामी सर्च यहाँ पे वहाँ पे हमारे पास कांथापुरा में मूर्ति थे तो यहाँ पे हमारे पास है रामास्वामी तो रामास्वामी सर्च एंड क्वेस्ट फॉर ट्रुथ एंड सेल्फ नॉलेज तो ये किसकी क्वेस्ट है क्वेस्ट मीन्स सर्च ही होता है रामास्वामी इज अ काइंड यंग मैन रामास्वामी जो है वो एक यंग मैन है काइंड है दयालु हैं ही फ्रेल बिकॉज ऑफ इज वो थोड़े फ्रेल हैं फ्रेल मीन्स होता है आपका वीक एंड वाइल स्टडिंग इन फ्रांस ही ही हैज मेरिड मेडेलिन फ्रेंच वूमेन और यहाँ पे जो दूसरी आपकी कैरेक्टर है वो है आपका मेडलिन और जो फर्स्ट कैरेक्टर थे आपके हैं वो हैं रामास्वामी तो एक फ्रेंच वूमेन से उन्होंने शादी कर ली है नाउ रामास्वामी इज लुकिंग टू फिनिश हिज थीसिस ऑन एलबिकन हियर से एंड देन मूव बैक टू इंडिया तो वो एक थीसिस पर काम कर रहे हैं और उसके बाद वो अपने इंडिया वापस आ जाएंगे इट इज बिगनिंग रामास्वामी गिव्स अ हिंट दैट हिज रिलेशनशिप विद हिज वाइफ इज नॉट गोइंग सो वेल शुरुआत में रामास्वामी ये हिंट देते हैं कि उनकी जो रिलेशनशिप है उनके वाइफ के साथ वो बहुत अच्छी नहीं है देयर मैरिड लाइफ हैज़ सम कंसर्न अबाउट देयर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनकी वाइफ के साथ में देयर फर्स्ट चाइल्ड अ सन डाइड आफ्टर सेवन मंथ्स ऑफ बर्थ उनका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली नाउ हिज फादर इज ऑन वर्ज टू डाई और अब जो फादर है उनका वो भी वर्स टू डाई मीन्स मरने वाले हैं फॉर दिस ही मस्ट रिटर्न टू इंडिया अब उसे वापस आना है ही रिटर्न टू इंडिया दो हिज वाइफ रिमेन्स देयर इन फ्रेंस और जो उनकी वाइफ थी वो अभी फ्रेंस में ही रुकी होगी सो so, वाइफ उनकी कौन थी आपकी मेडिलिन तो मेडल अभी फ्रेंड्स में ही है और रामास्वामी को वापस इंडिया आना पड़ा क्योंकि उनके फादर की डेथ हो चुकी है सॉरी डेथ होने वाली है इन इंडिया ही हैज़ अ स्टेप मदर हु हैज सर्वड हिज फादर टिल हिज डेथ और एक स्टेप मदर है जिसने उसके फादर की काफ़ी हेल्प की है ही कॉल्स हर लिटिल मदर वो उसको छोटी माँ कहता है ही एंड हिज मदर अटेंड रिचुअल्स एंड सेरेमनीज दे गो ऑन ऑन पिलग्रमेज टू हॉली प्लेसिस एज पार्ट ऑफ इट और वो अपनी मदर के साथ में रिचुल्स और सेरेमनीज करता है और पिलग्रमेज पे भी जाता है यात्रा पे भी जाता है हैविंग परफॉर्म्ड ऑल सेरेमोनियल ड्यूटीज़ ऑफ अ सन ही गोज़ बैक टू फ्रेंड्स टू बी विद हिज़ वाइफ और वो जब ये सारी के सारे अपने फादर की जो सेरिमोनील ड्यूटीज़ होती हैं जो भी आप कह सकते हैं धार्मिक जो संस्कार होते हैं जो कि एक बेटे को करने होते हैं वो सारे काम करने के बाद वो वापस चले जाते हैं ही गोज बैक टू फ्रांस टू बी विद हिज वाइफ वो फ्रांस चले जाते हैं अपनी वाइफ के साथ में एंड रामास्वामी इज लॉन्गिंग टू अंडरस्टैंड हिम सेल्फ तो जो रामास्वामी है वो लॉन्ग जो वर्ड है उसका मतलब है विशेष वो उनकी विश है कि वो खुद को समझ पाए एंड हिज़ लाइफ इन अ बेटर वे स्पेशली अबाउट हिज इनकम्प्लीटनेस विद इन वो खुद के अंदर तो आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों को एक वर्ड अभी हमने डिस्कस किया था उसका मतलब था मेटा फिजिकल तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेटा मीन्स क्या होता है तो यहाँ पर वो यही मेटा फिज़िकल जो एक थीम है वो यही होती है कि जो रामस्वामी है वो खुद के अंदर एक जो लिमिट है उसके अंदर जाकर देखने की कोशिश कर रहा है ख़ुद को जानने की कोशिश कर रहा है ड्यूरिंग द ट्रिप टू फ्रेंड्स ही मीट्स सावित्री अ कैम्ब्रिज स्टूडेंट तो वहाँ उन्हें एक स्टूडेंट मिलती है कैम्ब्रिज स्टूडेंट मिलती है उसका नाम है सावित्री शी इज़ इंगेज टू वन ऑफ his फ्रेंड्स और जो सावित्री है उसकी जो इंगेजमेंट हुई है वो उसके किसी फ्रेंड से हुई है she confesses to him that she is not in love with the man अब यहाँ पर जो सावित्री है वो confess करती है कि वो उस आदमी से प्यार नहीं करती है Initially, he considers her to be a modern sort of woman and does not think high of her शुरुआत में उसे लगता है कि वो उसको एक modern woman समझता है और उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है डिस्पाइट दिस फैक्ट ही इज़ नॉट एबल टू कीप अवे फ्रॉम हिज थॉट्स वो आ, उसके बारे में जानता है लेकिन उसे अपने विचारों से दूर नहीं रख पाता रीचिंग होम ही फील्स हिमसेल्फ टू बी मोर डिस्टेंस मोर हिज वाइफ दे और जब वो घर पर पहुँचता है तो वो अपनी वाइफ से कुछ दूर हो जाता है मीन्स क्योंकि वो सावित्री के बारे में सोचना शुरू कर देता है एट दियर फर्स्ट डिनर टुगेदर आफ्टर हिज रिटर्न मेडल इन टू रियलाइजिंग अ चेंज इन हिम आस्ट हिम इफ़ शी हैज़ फेल्ड हिज गॉड सम हाउ तो यहाँ पर जो मेडल है वो इस बात को महसूस करना शुरू कर देती है कि उसका जो हस्बैंड है रामास्वामी उससे दूर हो रहा होना शुरू हो चुका है और वो कहती है कि किसी तरीके से क्या मैंने कोई गलत काम किया है ही रिप्लाइज दैट शी हैज़ नॉट फेल्ड हिज़ गॉड्स बट शी हैज़ फेल्ड हिम तो वो कहती है कि नहीं तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है हिज मदर हैड गिवन हिम द टो रिंग्स टू बेस्टो अपॉन मेडलिन एज ब्लेग और उसकी जो मदर है उसने एक टो रिंग दी थी uh, उसके लिए मेडलिन के लिए एज अ पार्ट ऑफ ब्लैसिंग उसके लिए यूजली uh, कुछ जैसे गिफ्ट कोई दिया जाता है तो उसकी मदर एक गिफ्ट के तौर पर मेडलिन के लिए वो टो रिंग्स भेजती है तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि उसकी जो मदर है उसके लिए क्या भेजती है राइट तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं द मेडलिन हो गई सावित्री रामस्वामी तीन कैरेक्टर जो है बहुत अच्छे से आपको याद रखने ये नेम बट नाउ ही फील सो डिस्टेंस टू हर दैट ही कैन नॉट गिव हर गिफ्ट अब यहाँ पर वो इतना उससे दूर फील करता है कि वो उसको गिफ्ट नहीं देता ही रियलाइजेस दैट थिंग्स हैव गॉन टू फार नाउ और उसे लगता है कि जो उसकी रिलेशनशिप है वो बहुत चेंज हो चुकी है ही नो लॉन्गर सीज ह एज हिज बिलवड वाइफ और अब उसे वो अपने वाइफ की तरह या हम कह सकते हैं कि उस उनके बीच में जो प्यार था वो अब नहीं रहा वन रीज़न कंट्रीब्यूटिंग टू दिस सिचुएशन इज हिज़ डिज़ायर फॉर सावित्री उसकी जो डिज़ायर है सावित्री के लिए वो बढ़ती जा रही थी यही एक रीजन था इवेंचुअली हिज माइंड बिकम सो मच ऑब्सेस्ड विद हर थाट दैट इज इट स्टार्ट टू हर्ट हिज मैरिड लाइफ और अब जो सावित्री से वो जो उसका अटैचमेंट है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब उसकी जो मैरिड लाइफ है वो भी खराब हो रही है हिज रिलेशनशिप विद हिज वाइफ बिकम्स इवन मोर टेंस एंड कॉम्प्लिकेटेड एज हिज़ ओन सिचुएशन विद इंट्रोडक्शन ऑफ सावित्री इन हिज़ लाइफ और उसकी जो लाइफ है वो बहुत और रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है सावित्री विजिट्स हिम एंड मेडलिन इन फ्रांस जो सावित्री है वो रामास्वामी और मेडलिन को मिलने के लिए फ्रांस आती है रामास्वामी अकम्पनाइज हर टू इंग्लैंड इन ऑर्डर टू तो कम्प्लीट हिज रिसर्च थीसिस और जो रामास्वामी है उसके साथ इंग्लैंड तक जाता है अपनी रिसर्च थीसिस उसे कम्प्लीट करनी है दे स्पेंड टाइम टुगेदर एंड ही रियलाइजेज हिज डीप लव फॉर हर और जो रामास्वामी है वो सावित्री के साथ टाइम स्पेंड करता है और उसे लग और उसे पता चलता है कि वो उसे बहुत प्यार करना उसने शुरू कर दिया है ऐट द सेम टाइम ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिस लव प्रोवाइडेड द फैक्ट दैट ही इज़ ऑलरेडी मैरिड क्योंकि वो खुद मैरिड है इसलिए वो इक, अपना जो प्यार है उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाता ही गिव्स हर दोज टो रिंग्स एज अ गिफ्ट शी एक्सेप्ट और रामास्वामी की मदर ने जो उसे टो रिंग्स दी थी वो उसे ही दे देता है सावित्री को दे देता है और उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है दिस मार्क्स आ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन दियर रिलेशनशिप्स ऑन दी अदर हैंड मेडलिन इज़ प्रेगनेंट विद दकेंड बेबी और यहाँ से उनका जो रिलेशनशिप है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जो चेंज है वो आता है यहाँ पर दूसरी साइड अगर हम देखें तो मेडलिन जो है वो प्रेगनेंट है उसका सेकेंड बेबी होने वाला है बट ही हैज टू लिव फॉर इंडिया फॉर सिस्टर्स वेडिंग और जो रामा स्वामी है उसे अपनी सिस्टर की वेडिंग के लिए इंडिया आना है ड्यू टू हिज डिक्लाइनिंग हेल्थ ही हैज टू मेक एन इमरजेंसी विजिट टू बेंगलौर और क्योंकि उसकी जो हेल्थ है वो भी डिक्लाइनिंग हो रही है तो उसे बेंगलौर भी जाना है वाइल ही इज देर ही गेट्स टू नो दैट मेडिलिन गेव बर्थ प्री मेच्योरली टू सेकेंड सन हू हैज डाइड और जब वो बेंगलोर में होता है उसे पता चलता है कि मेडलिन ने प्री मैच्योर एक बेबी को जन्म दिया था और उसकी डेथ हो गई लेटर ही ऑल्सो लर्नस दैट सावित्री हैज़ गॉट मैरिड और उसे बाद में पता चलता है कि जो सावित्री है उसकी भी शादी हो चुकी है नाउ ही ही गोस्ट बैक टू फ्रांस वापस फ्रांस से आता है शी हैज़ बिकम बुद्धिस्ट एंड ड्रॉज हर सेल्फ कंप्लीटली अवे फ्रॉम हर हजबेंड और जो मेडलिन है वो अब बुद्धिस्ट बन चुकी है और वो बिल्कुल अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है रामस्वामी गोस्ट लंडन फॉर लंग सर्जरी जो रामस्वामी है वो अपने लंग सर्जरी के लिए लंदन चला जाता है सावित्री विजिट से सावित्री उससे मिलती है दे एक्सेप्ट इट एज देयर फेट एंड रिजोल्व टू पार्ट इन दिया वेज अब वो दोनों के दोनों पार्ट हो जाते हैं अलग हो जाते हैं वो इसे अपना भाग्य समझ लेते हैं दे एक्नोलेज दैट द ट्रू लव इज़ अबाउट रिजॉयसिंग इन वन अनदर्स हैप्पीनेस और वो दोनों के दोनों इस बात को एक्नोलेज करते हैं मानते हैं कि जो एक सच्चा प्यार होता है वो एक दूसरे की खुशियों को रिजॉयस करने में इंजॉय करने में होता है एंड रामा स्वामी डाइवोर्स मेडलिन और रामास्वामी जो है वो मेडलिन को डाइवोर्स कर देता है

जो भी चीज़ें हैं उसकी लाइफ में हुई वो सभी चीज़ों ने उसे रियलाइजेशन तक पहुंचाया इन चीज़ों के लिए रियलाइजेशन तक पहुंचाया सो हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर योर टेस्ट आप इसे टेस्ट कर सकते हैं बाकी वर्क हम अनादर वीडियो में देखेंगे राजा राव के पहले टू टू और थ्री वर्क हम कर सकते हैं एक सिंगल वीडियो में तो कुछ हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ये सभी आंसर लिखिए अगर आप लोगों को याद है टेस्ट कीजिए कि आप लोगों को कितना याद है राव बॉन राजा राव का जन्म कब हुआ था वॉज दिस्ट ऑफ कांतापुरा का जो प्रोटेगनिस्ट है हु गोज लंडन फॉर लंग सर्जरी लंडन कौन जाता है लंग सर्जरी के लिए मूर्ति इज अ कैरेक्टर इन विच वर्क ऑफ द राजा राव और जो मूर्ति है वो किस वर्क में आपका कैरेक्टर है एंड इन विच यॉट्स साहित्य अकादमी अवॉर्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड जो है राजा राव को किस सन में मिला था So with this we end this video see you in next video all the best